यूथ सेंसिबिलिटी नहीं खो चुका है, यूथ को नॉन सेंसिकल बातों में फंसाया जा रहा है। अब आप बताइए कि यूथ रिजर्वेशन को ब्लेम करेगा क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही, पर वैकेंसी को ब्लेम नहीं करेगा कि मेरी 1000 से 700 हो गई आज वैकेंसी इसलिए मुझे नहीं मिल रही, पर ये सोचेगा कि मेरा रिजर्वेशन है इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल रही। वी एज अ सोसाइटी फेल्ड द वेरी डे व्हेन वी डिडंट कम आउट ऑन स्ट्रीट्स व्हेन अखलाक पहलू का दीज वर रेंज्ड, वी डिडंट रियलाइज दैट दीज थिंग्स आर नॉट स्मॉल, एंड द डे वी सेड दैट ओके वी विल वोट हिम इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट बट वी डोंट सपोर्ट द कम्युनलिज्म ऑफ इट, इट डजंट गो दिस वे, यू ब्रिंग टू द पार्लियामेंट both the things. अगर आज मैं एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मुझे लग रहा है मुझे फांसी भी मिल जाए पर मेरी लेगेसी रहेगी आगे तक क्योंकि मुझे एक यूनियन मिनिस्टर ने गारलैंड किया, और मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूँ कि मैं लॉ फैकल्टी में मेरे क्लासमेट ने मेरे मुंह पे कहा था कि दंगे होने चाहिए और मैं मारूंगा 8-10 लोगों को ताकि मुझे गाँव में सब शहीद बोले जाएंगे। ये सोच एक पढ़े लिखे इंसान में कहाँ से आ रही है? हमने डिनाई की थी टू नेशन थ्योरी को, और टू नेशन थ्योरी को पैदा जिन्ना ने नहीं किया था, जिन्ना ने आरएसएस जैसे लोगों से बोरो किया था, और उसी सोच से हम नफरत करते हैं जो मुस्लिम और हिंदू संस्कृति को अलग तरीके से देखती है क्योंकि हम एक हिंदी संस्कृति है, गंगा जमुना तहजीब है, हम में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम जेनेटिकली भी देखें तो हम में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये कहाँ तक हमको बोलेंगे कि हम अलग है या नहीं है? और ये जितना चाहे क्राइम डाल ले पर हम जैसे कुछ लोग भी इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इनकी नफरत को हम बढ़ने नहीं देंगे। आपने जो 5 बुलेट पॉइंट्स बोले, सबसे पहले फिलहाल अभी के लिए जो PIL लास्ट ईयर डाला था, आई थिंक वो PIL एस पूना वाला ने मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में डाला था, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए थे कि आपको कैसे डील करना है जब वो एक बार हो जाए मॉब लिंचिंग, उस गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो आप पिटीशन डालिए कि इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है गवर्नमेंट ने, चाहे वो अपोजिशन डाले, चाहे कोई एक आम नागरिक डाले, कोई लॉयर डाले, और तब तक एक प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहिए, वो अपोजिशन लाए, वो रूलिंग पार्टी लाए, वो लेजिस्लेशन में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए, एक कन्विक्शन कितने साल का, और उसका अटेम्प्ट का भी कन्विक्शन कि कम से कम 7 साल का हो, और एक बात रही कन्विक्शन की, विक्टिम कंपनसेशन और रिलीफ कि विक्टिम की पूरी फैमिली का कैसे ध्यान दिया जाएगा क्योंकि अब डिपेंडेंस है, उसके पेरेंट्स नहीं है ताबरेज के, और वाइफ अभी 4 महीने पहले शादी हुई तो आपको उसको कैसे कंपनसेट करना है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाना है या नहीं चलाना है। इन लॉ और गाइडलाइंस के साथ साथ आपको सोसाइटी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, कैसे कि आज तुम्हारा उनका घर जल रहा है तो तुम्हारा भी जलेगा, कोई दूर नहीं है, क्योंकि अगर तुम उनको वोट नहीं डालोगे तो तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि तुम तो उनके काम के नहीं हो ना। और चौथी बात, उन्हें ये बात समझानी पड़ेगी कि जिस आइडियोलॉजी को अभी वो हेल कर रहे हैं, खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी जिससे मैं भी बिलोंग करती हूँ, वो हेल कर रहे हैं क्योंकि वो इग्नोरेंट है ज़्यादा से ज़्यादा, वो टू नेशन थ्योरी लाई थी जिन्ना ने उनको बोरो किया था, तो हमको उस टू नेशन थ्योरी से तो कम्प्लीटली हम डिनायल पे हैं, हम नहीं समझते कि पाकिस्तान किसी धर्म पे किसी देश को बनाना चाहिए, तो मैं हिंदू पाकिस्तान तो नहीं बनने दूंगी, और मेरे जैसे लोग या हम जैसे लोग हैं इस दुनिया में तब तक हम बोलते रहेंगे। और हिंदू कम्युनिटी में हिंदू का बोलना बहुत ज़रूरी है, कोई बोलता कि तुम क्यों बोल रहे हो, मुस्लिम बोल देंगे, सही बोल रहे हो मुस्लिम, नहीं मेरा बोलना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको तो तुम बोलोगे, तुम उनके मेरे धर्म के बारे में बोल रहे हो, मुझे क्या बोल पाओगे तुम, मेरा बोलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, आई बिकम आंसरेबल वेन एवर इन माई नेम, इन माई लॉर्ड्स नेम और वट एवर लॉर्ड्स नेम, आप मैन्यूपुलेट करते हो हिंदुइज्म को हिंदुत्व बनाने के लिए, और मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि तुम्हारा हिंदुत्व कायम ना हो और हिंदुइज्म इस्लाम ये सब यहाँ रहे। वे फॉरवर्ड इज यू बिकम मोर अवेयर, इग्नोर हेट, स्प्रेड लव इन द टाइम ऑफ हेट, बिकॉज दैट इज देयर मोटिव दैट दे वॉन्ट टू ल्योर यू इन द नेम ऑफ हेट टू हेट द अदर्स। आई जस्ट